हेलो बच्चों, आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन के दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, डेटा हैंडलिंग क्लास ए चैप्टर 5। तो आज ऐसा करते हैं, हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस देखे हैं तो मुझे लगता है कि आप ये एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। ये चार है क्वेश्चंस, ए बी सी डी, इसके फोर पार्ट्स है। आपने देखकर बस ये बताना है कि आप किसके लिए हिस्टोग्राम यूज करोगे। आपको याद है ना सारे ग्राफ कौन कौन से थे, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और फिर हिस्टोग्राम। द नंबर्स ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरियाज के लेटर्स होते हैं, क्या उसके लिए हिस्टोग्राम बन सकता है। हिस्टोग्राम किसके लिए बनता था, हिस्टोग्राम उसके लिए बनता है जिसमें ग्रुप डेटा हो, जिसमें एक सीरीज में डेटा हो और उसको हम अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेते हैं ना, 0 to 10, 10 to 20 ऐसे। तो क्या पोस्टमैन की लेटर्स या एरियाज तो कोई सीरीज है, नहीं है, तो इसमें तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो एक एथलेटिक मीट के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी हाइट वो कैसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 5 feet से लेके 5 feet 2 inches, 5'2" से 5'4" ऐसे करके हम ग्रुप में बांट सकते हैं ना। एक एक इंच ले लो या 2-2 inch ले लो और फिर उसमें देख लेंगे कि इस हाइट के कितने बच्चे, इस हाइट के कितने बच्चे, है ना। तो इसमें ग्रुप्स बन सकते हैं। अगर इसमें ग्रुप्स बन सकते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हिस्टोग्राम। ओके, द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 companies। 5 अलग अलग companies ने कैसेट्स प्रोड्यूस की, तो क्या इसका हिस्टोग्राम बन सकता है, क्या इसको हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। 5 companies अलग अलग हैं तो उनकी अलग अलग बार बनेगी, तो इसमें बनेगा बार ग्राफ। एंड द लास्ट, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। एक स्टेशन पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो पैसेंजर्स ने ट्रेन पकड़ी उसका अगर बनाना है सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक, तो इसे तो बांटना ही पड़ेगा कुछ आवर्स में, 1-1 hour या 2-2 hours, है ना, 7 to 8, फिर 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ऐसे सीरीज चलेगी। सीरीज चलेगी तो डेटा कैसे हो गया, ग्रुप में हो गया, है ना। 1 घंटे के जितने भी लोग हैं वो उसमें आ जाएंगे, है ना। तो इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम। तो फिर क्वेश्चन था हमारा, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम, इनमें से किस किस के लिए हिस्टोग्राम बनेगा। तो हमारे हिसाब से बी और डी के लिए हिस्टोग्राम बनना चाहिए क्योंकि उसमें डेटा की ग्रुपिंग हो सकती है। गिव रीजंस फॉर ईच, रीजंस मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय बी और गर्ल जी, राइट। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो भी शॉपर्स आए उनकी उन्होंने लिस्ट बनाते गए मॉर्निंग, सुबह सुबह 1 घंटे में, सुबह के 1 घंटे में जो भी आए। पहले जैसे मैन आया तो उन्होंने लिख लिया एम, फिर डब्ल्यू, देखो लिखा है ना डब्ल्यू 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 जी बी डब्ल्यू डब्ल्यू एम जी जी, ये समझ आ रहा है ना किसके लिए, डब्ल्यू फॉर वुमेन, जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉयज, एम फॉर मैन। अब वो हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फिर हमने बार ग्राफ भी बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पता है हम लिख लेंगे, जैसे सबसे पहले वुमेन आई है W, तो हमने लिख लिया W, फिर है गर्ल तो हमने लिख लिया G, फिर बॉय तो B, फिर मैन तो M। अब हमने क्या करना है, इसके एक एक एंट्री को उठाते जाना है और टैली मार्क्स लगाते जाना है। तो टैली मार्क्स लगाएंगे तो वो भी आपको पता होना चाहिए किस चीज का ध्यान रखेंगे। जब एक ग्रुप में 5 tallies हो जाए, 4th के बाद जब 5th टैली आएगी तो हमने उसको ऐसे कट कर देना है 5-5 के सेट बनाने के लिए, ताकि हमें बाद में काउंट करने में इजी रहे, ठीक है। तो हो जाएगा, मैंने ये करके रखा है और इसके आंसर्स आते हैं, वुमेन आती हैं 28, गर्ल्स 15, देन 5, देन 12, ऐसे आता है इसका आंसर। तो उसके बाद बार ग्राफ बनाना क्या मुश्किल है, उसके लिए तो हमें बस यही ग्राफ पेपर के ऊपर हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। पहले ये हो गया वुमेन के लिए, गर्ल, बॉय और ऐसे ही मैन, तो इनकी ग्राफ, इनका वो बार्स बन जाएंगी। 4-4 का ग्रुप ले सकते हैं, 4-4 में बांट सकते हैं इसको, या फिर 5-5 में कर सकते हैं। चलो हम 5-5 कर लेते हैं, 5, 10,
15, 20, 25, 30, राइट। हम हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं ना, फिर उसको हम 5 या 6 से डिवाइड कर लेते हैं कि एक लाइन में 6 या 5 ही ऐसे ये डैशेस लगाने पड़े। ओके, जो सबसे बड़ी एंट्री होती है उसको राउंड ऑफ करके जैसे 30 मान के उसको 5 या 6 से डिवाइड कर लेते हैं और उतनी नंबर ऑफ ये बन जाती है इसकी पार्टीशन। अब वुमेन कितनी है, 28, तो इसका यहां चला जाएगा 25, 26, 20, यहां पे अंदाजे से यहां तक आएगा, राइट। ये बन जाएगा पैराग्राफ। ऐसे ही गर्ल्स 15 यहां तक आ जाएंगी, बॉयज 5 तो यहां तक आ जाएंगे, और मैन 12 तो यहां तक आ जाएंगे। कर लोगे आप आराम से, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर 8:30, 8:35, 8:90, 8:10, ऐसे दिया हुआ है। तो यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन, है ना। तो हमने क्या बनाना है, टेलीमार्क्स यूज करके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जैसे हमने ये बनाया था। लेकिन इसमें आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, डेटा ग्रुप्ड है, ग्रुप से 810, देन 810 से 820, ऐसे करके ग्रुप्स हैं, तो वो तो हम बना लेते हैं चलो। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक बनेंगे ग्रुप्स, कितने ज्यादा बनेंगे? उसके लिए हमें सबसे बड़ी एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। देखो सबसे बड़ी एंट्री कौन सी है, 890 आ रहा है, 8 से बड़ी भी कोई है, उससे बड़ी भी है, 898 भी है, तो ये कहां तक जाएंगे ग्रुप्स, 900 तक तो जाएंगे। 900 के ऊपर भी है कोई एंट्री? 900 के ऊपर कोई एंट्री नहीं है, तो हमारी ग्रुप्स कैसे बनेंगे, 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, राइट, 830 आना चाहिए ना, एट थर्टी टू एट फोर्टी, एट फोर्टी टू एट फिफ्टी, 850 to 860। मेरी क्लास में जो बच्चा मेरी गलतियां पकड़ता है उसके लिए मैं एक प्राइज रखती हूँ, फिर से गलती तो जो बच्चे मेरी गलती पकड़ पा रहे हैं ना वो अपने लिए क्लैपिंग कर लें। और अगर आपने कोई गलती पकड़ी, मान लो मुझसे कोई गलती रह गई और आपने पकड़ ली और आप मुझे कमेंट करके बताते हो, तो मैं पक्का अपने वीडियो में आपका नाम मेंशन करूंगी कि आपने मेरी गलती पकड़ी, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियोस को देखो और मैं कहीं गलती करती हूँ तो उसको पकड़ो मैं जानबूझ के नहीं कर रही अपने आप है अब टेलीमार्क्स लगा के हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है, वो आप आसानी से कर सकते हो, मैंने आपको सब बताया हुआ कि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट सेम है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर 810 आता है तो वो इस ग्रुप में नहीं जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। 820 आता है तो इधर नहीं जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा, यहाँ पर 800 से लेके 809 तक ही जाएंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वेश्चन में जो आपने ये टेलीमार्क्स का टेबल बनाया इसी का आप एक हिस्टोग्राम बनाना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर हमने क्वेश्चंस के आंसर भी देने। तो बनाए हम इसके लिए एक हिस्टोग्राम, ये हम बना लेते हैं क्योंकि इसमें खास चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो मैंने ये करके रखा है और इसमें ऐसे आई एंट्रीज 3, 2, 1, आप ये खुद करके देखना और क्रॉस चेक भी कर लेना, 9, 5, 1, 3, 1, 1 एंड 4, ठीक है। तो यहां पर टिप क्या है कि जब यहां पे ऐसे हम कोई भी एंट्रीज डालते हैं ना तो इनको टोटल जरूर करके देखा करो, इसका टोटल करो, वो टोटल उन एंट्री से मैच होना चाहिए जो गिवन थी, उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई एंट्री रह तो नहीं गई, कोई एंट्री मिस तो नहीं हो गई, ठीक है। अटेम्प्ट तो सारे कर लेंगे लेकिन 10 on 10 उन्हीं के आएंगे जो ऐसे ऐसे विनिंग टिप्स को फॉलो करेंगे, ऐसे विनिंग टिप्स मेरे आगे के वीडियोस में भी आते रहेंगे। और ओके, तो अब हम बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम, राइट। तो कहां से शुरू करेंगे, देखो यहां पर हम ये ग्रुप्स ले लेते हैं, यहां होता है जीरो, अब जीरो के बाद हमारी फर्स्ट एंट्री शुरू हो रही है 800 से। अगर हम यहां पे 800 लिखें और यहां 810 लिख दूं तो यहां पे तो 10 का गैप है, लेकिन जो ये लाइन है 0 से 800 इसमें तो 800 का गैप है,
है ना, तो हम इसको फिर यू नहीं बनाते। जब हमारा डेटा जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा होता ना, 0, 10, 20 ऐसे नहीं जा रहा होता, सीधा ही 800 पे जंप कर रहा है, तो यहां पर हम एक किंक बनाते हैं ऐसे, ठीक है। कि यहां पर और भी काफी सारे नंबर्स हैं, ये वाले में सिर्फ 10 ही नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, समझ में आ रहा है। ये भी एक तरीका है, या फिर एक तरीका है कि आप ऐसे बना दो, वो भी ठीक है कि यहां पर कुछ और है बीच में, ठीक है। मुझे पर्सनली वो एक किंक अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, 8, 10, अब इसकी इक्वल इक्वल पार्टीशन, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क है कि हिस्टोग्राम की जो बार्स होती हैं वो आपस में चिपकी होती है, उनके बीच में गैप नहीं होता क्योंकि उनका डेटा ग्रुप्ड होता है ना, और जो बार ग्राफ होता है उसकी बार्स अलग अलग होती हैं। तो यहां पर एंट्रीज ऐसे आएंगी एक के बाद एक, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 800 to 810 में आ रहे हैं 3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, तो 10 तक ही जाएगी। या तो इसमें 10 पार्टीशंस कर लो या फिर 2, 2 के 5 पार्टीशंस कर लो, हम 10 कर लेते हैं, 10 कोई ज्यादा नहीं है, 5 to 10 पार्टीशंस आराम से किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा हो तो फिर आपको थोड़ी डिवीजन बढ़ा लेनी चाहिए है ना, ताकि नंबर ऑफ पार्टीशंस उतने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 800 to 810 में है 3, तो कहां तक जाएगा, यहां 810 to 820 में है 2, तो 2 के सामने, ठीक है, कोई पार्टी कोई बीच में गैप नहीं आ रहा। 820 to 830 1 ओनली, यहां पर 830 to 840 9, तो ये काफी ऊपर यहां तक चला जाएगा 9, ओके, 1 इसमें है 3, देन अगेन 1, then again 1 and then 4, right? तो अब बताइए आप मुझे, which group has the maximum number of workers? किस group में सबसे ज्यादा workers हैं? सबसे लंबी बार कौन सी है? ये वाली 830 to 840, तो इसमें सबसे ज्यादा workers हैं, right? Okay, how many workers earn rupees 850 and more? कितने workers हैं जो 850 और more, 850 या उससे ज्यादा कमाते हैं? तो देखो अब 840 to 850, ये तो 850 नहीं कमाते, 850 या उससे ज्यादा, इसमें तो 850 वाले आए नहीं होंगे है ना, क्योंकि हम नेक्स्ट ग्रुप में लेते हैं। तो 850 एंड मोर, ये वाला 850 to 860 उससे ज्यादा है, इसमें कितने हैं? 1, तो क्या 1 है आंसर? नो, आंसर 1 नहीं है, 850 या उससे ज्यादा, 850 to 860 भी उससे ज्यादा है, 860 to 870 वो भी तो उससे ज्यादा है ना, 870 to 880 वो भी उससे ज्यादा है, इसके बाद वाले सारे ही उससे ज्यादा हैं, तो इन सारों को टोटल करना पड़ेगा, ओके? तो 850 एंड अबव का मतलब है ये 1, ये 3, ये 1, ये भी 1 और ये 4, ये सारों को लेना पड़ेगा, राइट? तो इसको टोटल कर देते हैं, 4 plus 3 is 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 वर्कर्स हैं जो 850 या फिर उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ओके? तो थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, लेस देन 850, तो 850 से कम, 850 से कम वाले कौन से होंगे? 840 to 850, वो 850 से कम है ऑब्वियसली, और उसके पहले वाले ये सारे, ये भी 850 से कम है ना, तो हमें इन सब का टोटल करना पड़ेगा। 850 से कम वाले ये थे 5, ये थे 9, ये 1, ये 2, ये 3, इन सब का टोटल करना पड़ेगा, 9, 5, 3, 2 and 1, ये है 850 से कम वाले, राइट? तो 9 plus 1 is 10, 15, 20, तो कितने हैं वर्कर्स जो 850 से कम ले रहे हैं? 20 वर्कर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph. तो particular class के बच्चे हैं, उन्होंने कितने कितने घंटे टीवी देखा एक दिन में? Number of hours कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना? Number of
स्टूडेंट्स कि एक घंटा, एक से दो घंटे कितने बच्चे देख रहे हैं, दो से तीन घंटे कितने बच्चे देख रहे हैं, है ना। इसके हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट इज फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने घंटे के लिए टीवी देख रहे हैं। आप देखो सबसे लंबी बार कौन सी है, 32, है ना। पहली बार कहां तक जा रही है, नीचे 4 to 5, 4 to मतलब मैक्सिमम बच्चे 4 से 5 घंटे तक टीवी देख रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स से कम। तो जैसे इस क्वेश्चन में था, इसमें भी वही है, लेस देन 4 आवर्स, तो 4 से कम वाले सारे लेने पड़ेंगे, यानी 3 to 4 वाले, 2 to 3 वाले और 1 to 2 वाले, है ना। 3 to 4 वाले 22, 2 to 3 वाले 8 और 1 to 2 वाले 4, इन सबको ऐड कर देंगे, 22 प्लस 8 इज 30 प्लस 4 34, राइट। तो आंसर इज 34। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 घंटे से ज्यादा किन्होंने लगाए। तो इसके लिए कौन सा लेना पड़ेगा, 4 to 5, 4 to 5 में नहीं आ रहा 5 से ज्यादा, मोर देन 5, तो 5 to 6 वाला ग्रुप और 6 to 7 वाला ग्रुप, उनको ऐड करना पड़ेगा। 5 to 6 वाले में कितने हैं 8 और 6 to 7 वाले में कितने हैं 6, तो 8 plus 6 इज 14, तो फिर 14 इज द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पाई चार्ट्स, लेकिन इस वीडियो के बारे में, इसके बारे में जितने आज हमने क्वेश्चन आंसर्स किए 1 to 5, आपको मुझे इसमें से बताना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन बिना पेन के कर सके आप, मतलब बिना कॉपी पेन यूज किए आप कौन सा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आपने बस कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है। थैंक यू।